तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक न्यू सीरीज़ में जो कि होने वाले एक माइनक्राफ्ट की। बेसिकली ये गेम एक ओपन वर्ल्ड गेम है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। सो बिना किसी देरी के गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले मुझको एक अपना वर्ल्ड क्रिएट करना होगा और उसका कुछ एक नाम रखना होगा, इसलिए मैंने ऐसे मेन लैंड करके एक नाम भी रख दिया उसका, और कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लिया और चंक्स भी बढ़ा लिया और वर्ल्ड अपना क्रिएट कर लिया। और क्रिएट करते ही मैं एक सवाना बायोम में स्पॉन हो गया जो कि मुझको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी मैंने जल्दी से जल्दी वुड कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मुझको जल्दी से जल्दी अपने लिए टूल्स भी बनाने थे ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँ उन ज़ॉम्बीज से। यस, मैंने सारे वुड कलेक्ट किए फिर, और मैंने जल्दी से अपने लिए कुछ प्लैंक्स भी बना लिए थे और मैंने क्राफ्टिंग टेबल भी बना के उस पर मैंने अपने लिए स्वॉर्ड्स और एक पिकैक्स और एक एक्स भी बना ली थी। मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल भी कलेक्ट कर लिया और जैसे ही गाइस मैं पीछे मुड़ा मुझको बहुत बड़े पहाड़ भी दिख गए, और इन पहाड़ को देख के मैं इतना खुश हुआ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आयरन और कोल और मिलते हैं। सो मैंने बिना किसी देरी के मैंने बहुत सारा कोबल स्टोन कलेक्ट किया और फिर उससे मैंने अपने लिए बेसिक स्टोन टूल्स भी बना लिए ताकि मैं बहुत सारा आयरन ले सकूं। तो मैंने बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी माइनिंग भी स्टार्ट कर दी थी। फिर मैंने वाइट कलर के भी कुछ ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए थे क्योंकि मुझको पता नहीं था कौन से ब्लॉक्स थे, एक्चुअली कैल्सिट थे। सो मैंने ऐसे ये भी ब्लॉक्स बहुत सारे कलेक्ट कर लिए। फिर मैंने अपना मेन आयरन माइनिंग स्टार्ट कर दी थी, और जो मैंने चालू कर दिया भाई मैं वापस रुका ही नहीं, सिर्फ देखते जाओ मैंने कितना आयरन कलेक्ट किया। फिर मैंने गाइस कुछ और फर्नेस बना लिया और सब में थोड़ा थोड़ा करके आयरन डाला ताकि अपने आयरन जल्दी से जल्दी स्मेल्ट हो सके और बहुत सारे आयरन इंगट्स उससे बने। और बेड के लिए मैंने थोड़ा बहुत वूल भी कलेक्ट कर लिया और मैंने जल्दी से एक बेड भी बना लिया, और जैसे तैसे करके मैंने अपना फर्स्ट डे भी सर्वाइव कर लिया। और अगले दिन ही मैंने अपना पूरा का पूरा मस्त से आयरन आर्मर भी बना के कंप्लीट कर दिया और फिर से अपना आयरन माइनिंग का काम भी स्टार्ट कर दिया। सो यस, आगे जाके मुझको कुछ एमरल्ड्स भी मिल गए और मुझको बिल्कुल भी पता नहीं था यहाँ पर एमरल्ड्स भी मिलते हैं। सो मैंने बाद में एमरल्ड्स भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, और जितना जल्दी हो सके मुझको सारा का सारा आयरन और एमरल्ड कलेक्ट करना था और इस माउंटेन से बाहर जाना था। सो मैंने अपनी स्पीड भी बढ़ा ली। सो यस गाइस, माइनिंग करते करते मेरा ध्यान उस रुइन पोर्टल पर पड़ गया और मैं वहाँ पर लूट लेने जा ही रहा था कि उतने में मेरे साथ ये हुआ। हाँ गाइस, तो मैं उस क्रीपर से लकीली बच गया और जल्दी से मैंने बैंड निकाल के वहाँ पर ही लगा और वहाँ पर ही सो गया। और जैसे ही मैंने उस चेस को ओपन किया, ओह माय गॉड, वाओ, और हाँ मुझको उस चेस में से गोल्डन एप्पल मिल चुका था और एक एंचेंटेड बूट, कुछ फ्लिंट्स और कुछ गोल्ड इंगेट्स थे और आयरन इंगेट्स थे, बट वो कौन ही लेगा भाई, मेरे पास अभी बहुत सारा आयरन हो चुका था। बट फिर मुझे उन पे दया आ गई और मैंने उनको ले लिया। और उस रुइन पोर्टल के ऊपर दो गोल्ड ब्लॉक्स भी थे जिनको भी मैंने कलेक्ट कर लिया। यस गाइस, 7 दिन की माइनिंग के बाद मेरे पास 2.5 स्टैक ऑफ ब्लॉक ऑफ आयरन हो गए थे और थोड़ा बहुत कुल भी बचा था उसको भी मैंने ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लिया। और जितना भी बचा हुआ कचरा था वो मैंने एक चेस में कलेक्ट करके वहीं पे छोड़ दिया और अपनी आगे की जर्नी मैंने कंटिन्यू की, और जाते जाते मैंने थोड़ा बहुत फूड भी कलेक्ट कर लिया। बट गाइस, मेरे किस्मत में आयरन लिखा हुआ था तो मैं क्या करता। यस, मैंने फिर से बंद करो हाथ जोड़ के, मैंने अपनी आगे की जर्नी भी कंटिन्यू कर ली। अभी मुझको इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए एक विलेज की बहुत ही ज़रूरत थी और एक घर की भी। सो मैं विलेज को ढूंढने के लिए बस चलता रहा और बस चलता ही रहा, और हजारों ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद मुझको फाइनली एक विलेज मिल गया। ये विलेज थोड़ा अलग सा था, मतलब ये पानी के ऊपर था, बट मुझको उससे कोई भी मतलब नहीं था, मुझको विलेज एक चाहिए था और वो भी मिल गया, और विलेजर्स भी थे उस विलेज में, वो भी एक अच्छी बात थी मेरे लिए। सो मैंने इस विलेज में रहने की ठान ली, और उस विलेज के साइड में मुझको बिल्कुल वैसा ही प्लेन मिल गया जैसा मुझको अपना घर बनाने के लिए चाहिए था, और ये भी बहुत अच्छा और बड़ा प्लेन था।
फिर मैंने विलेजेस के घर भी लूटने स्टार्ट कर दिए, बट मुझको उस विलेज से कुछ ज़्यादा अच्छे लूट नहीं मिले। बट मुझको उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मेरे पास बहुत सारा आयरन था, और कुछ दिन के लिए मैंने उसी विलेज में रहने का फैसला भी कर लिया, और मैंने अपना खाना भी कुक कर लिया, और बचे कुचे आयरन इंगट्स को भी मैंने स्मेल्टिंग को डाल दिया, और फिर पूरे थकान भरे दिन के बाद मैं अपने बेड पे जाके सो गया।